अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ सिंपल सी रसेदार आलू की कतली की रेसिपी शेयर करूंगी, जो आप राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं और रोटी या पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो आलू की कतली बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 4 आलू इस तरह से स्किन निकाल के रख लिए हैं और अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। अब ये आलू जो है सारे इस तरीके से गोल गोल कट कर लेंगे। हम सारे आलू इसी तरह से गोल गोल कट कर लेंगे, बहुत थिक कट नहीं करना है हमें, थिनली स्लाइस करेंगे हम आलूओं को। तो देखिए सारे आलू हमने कट कर लिए हैं। तो चलिए अब हम अपनी कतली बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक पैन में मैंने 3 टेबल स्पून ऑफ मस्टर्ड ऑयल हीट कर लिया है। आप चाहें तो नॉर्मल ऑयल भी ले सकते हैं। जैसे ऑयल का टेम्परेचर थोड़ा लो हो जाएगा हम इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा। ज़ीरा हमारा स्प्लटर हो गया, हम फौरन इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर एंड 1 टीस्पून ऑफ हल्दी पाउडर। हम इसमें वाटर नहीं ऐड करना है, जस्ट मिक्स करके सारे मसालों को हम जल्दी से इसमें आलू ऐड कर देंगे। साथ ही में हम यहाँ पर 2 चॉप्ड टमेटोज ऐड करेंगे। अच्छी तरीके से सब चीज़ों को मिक्स कर लें। अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट टू टेस्ट। फिर हम ऐड करेंगे इसमें 1 कप ऑफ वाटर। अच्छी तरीके से सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे हम। तो चलिए अब हम अपने पैन को कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक होने के लिए रख देंगे, जब तक हमारे आलू गल ना जाएं। तो चलिए हम अपनी सब्ज़ी चेक कर लेते हैं एक बार। तो देखिए ये आलू हमारे यहाँ पर गल चुके हैं। अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। और यहाँ पर कुछ चॉप्ड ग्रीन चिलीज़ हैं, ये मैंने मोटी वाली ग्रीन चिली ली है इसमें, ये ग्रीन चिली और कोरिएंडर लीव्स, इसको हम गार्निश करके और 2 से 3 मिनट्स के लिए इसको कवर करके छोड़ देंगे। तो देखिए हमारी बहुत ही सिंपल और टेस्टी आलू की कतली बनकर रेडी है। तो जब भी नेक्स्ट टाइम आपका आलू की सब्ज़ी खाने का दिल चाहे तो आप इस तरह से बनाकर ट्राई करिएगा। मुझे यकीन है इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी।